iPhone 11 डिटेल कैमरा टेस्ट आफ्टर अपडेट iOS 18, क्योंकि अगर अभी आप इसको कंसीडर करने का सोच रहे हो ना तो डेफिनेटली 2025 तक तो यूज करोगे। तो डिटेल में आज बात करते हैं कि इसके कैमरास कहाँ स्टैंडर्ड करते हैं, iOS 18 आने के बाद इसके कैमरास में मुझे कुछ चेंजिंग देखने को मिली है, वो कहाँ पे है, मैं वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल में बताता हूँ। इसके पोर्ट्रेट कैसे आते हैं, इससे आप व्लॉगिंग कैसे कर सकते हो, इसके कलर वगैरह चेंज हुए हैं iOS 18 आने के बाद या फिर पहले से ही डिग्रेड हो गए हैं, सारे कुछ वीडियो में टेस्ट करते हैं आज ही अब इसके सैंपल की तरफ। 18 आने के बाद जो हमें एक्स्ट्रा अपडेट देखने को मिली है वो तो एक यहाँ वीडियोग्राफी में है कि जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट पॉज कर सकते हैं दरमियान में वीडियो को और पिक्चर भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमें ऑप्शन देखने को मिल गया वो यहाँ पे जो आप टाइमर सेट कर सकते थे वो पहले 3x एंड 10x था, अब उसके साथ साथ 5x पे भी आप टाइमर सेट कर सकते हैं। तो बस यही कुछ मेजर हमें अपग्रेड देखने को मिली है iOS 18 आने के बाद iPhone 11 के अंदर। रिकॉर्डिंग हो रही है iPhone 11 के साथ 4K 60fps के ऊपर, जहाँ फेस के ऊपर डिटेल देख सकते हैं बहुत अच्छी निकल के आ रही है, और यहाँ बैकग्राउंड को देख सकते हैं कि अब थोड़ा ओवर ब्राइट करता है 4K के ऊपर आफ्टर अपडेट। पहले ये चीज ज्यादा बेहतर थी, डायनेमिक रेंज इसकी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती थी मुझे iOS 17 के ऊपर। और चल के स्टेबिलाइजेशन में आपको दिखा देता हूं 4K 60fps के ऊपर, तो यहां पे मैं चल रहा हूं तो वीडियो स्टेबल तो ऑलमोस्ट मुझे अच्छी ही देखने को मिल रही है। और एक बार मैं आपको इसका फोकस जरूर दिखा देता हूं कि 4K के ऊपर फोकस किस लेवल का करता है। तो यहां पे मैं लीव्स के ऊपर फोकस करता हूं, बैक साइड पे शिफ्ट कर देता हूं, फोकस नो डाउट फास्ट है, फोकस में अभी कोई इशू देखने को नहीं मिल रहा। और एक बार मैं आपको मूव होकर जरा फ्रेम भी दिखा देता हूँ कि फ्रेम कैसे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी कमाल की जगह निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेडो एरिया है, उस साइड से ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, हार्श लाइट आ रही है, तो यहाँ पे कलर काफी अच्छे मैनेज कर रहा है ये वाला फोन। और मैक्सिमम जूम हमें 3x देखने को मिलती है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग पे। ये वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 1080p 60fps के ऊपर। इसको दिखाने का मेन मकसद ये था कि यहाँ पे डिटेल्स तो फेस की हल्की सी कम हो जाती है, लेकिन जब आप इस तरह से मूव करते हो तो फ्रेम भी 60 ही देखने को मिलते हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज देखने को मिलती है, यहां आप देख सकते हैं कि मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस में शिफ्ट कर दिया हुआ है, उसी जगह पे रुके हुए, और मेन लेंस में यहां आप दोनों लेंस के दरमियान शिफ्ट कर सकते हो और आपको जो मैक्सिमम जूम देखने को मिलती है वो 3x ही देखने को मिलती है। लेकिन अल्ट्रा वाइड लेंस में आप इस तरह शिफ्ट करके कुछ फिश आई से इफेक्ट क्रिएट जरूर कर सकते हो 1080p 60fps के ऊपर। और 1080p 60fps के ऊपर इसकी जो डायनेमिक रेंज है वो मुझे लाइटली इंप्रूव होती है देखने को मिलती है। एक बार मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ या किसी चीज पे, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने फोकस कर दिया और आप जो डायनेमिक रेंज बैकग्राउंड पे देख सकते हैं वो 4K के निस्बत थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है, ओवर ब्राइट नहीं करता। वाली वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ। अगर तो आप 2025 के लिए कोई व्लॉगिंग फोन सोच रहे हो तो अभी भी इसका अल्ट्रा वाइड लेंस बहुत लेवल का देखने को मिलता है। इस प्राइस में इससे अच्छा व्लॉगिंग फोन और कोई नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, क्योंकि अल्ट्रा वाइड लेंस में आप देख सकते हैं कि HDR भी अच्छा काम करता है, स्टेबिलाइजेशन भी मैं इस टाइम चल रहा हूं तो आपको देख सकते हैं अच्छी मिल रही होगी, बाकी फेस की डिटेल वगैरह भी आप देख सकते हैं ठीक है। और इस तरह मूव करके अगर आप जूम करके कुछ दिखाना चाहते हैं तो 3x तक आपको जूम भी देखने को मिलती है, तो वो भी आपका काम चल जाता है। 3x कोई ज्यादा जूम नहीं होती, लेकिन ये है कि आपको व्लॉगिंग में इश्यू नहीं आएगा, बस ये है कि लो लाइट में ये वाला फोन प्रॉब्लम करता है अल्ट्रा वाइड लेंस में। बाकी डे टाइम में जैसे इस टाइम में चल रहा हूँ आप देख सकते हैं बहुत कमाल के अच्छे रिजल्ट निकाल के ये वाला फोन दे देता है। फोटोग्राफी की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्ट्रा वाइड लेंस से बहुत ही डिटेल्ड एंड नाइस कलर के साथ पिक्चर आप क्लिक कर सकते हो। उसके बाद ये वाली पिक्चर मैंने इसके मेन लेंस से क्लिक किया है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कोई भी किसी किस्म का कलर शिफ्ट हमें देखने को नहीं मिलता, और मैक्सिमम जूम जो इसमें देखने को मिलती है वो हम 5x तक कर सकते हैं। ये वाली पिक्चर मैंने 5x पे क्लिक किया, 5x पे नो डाउट थोड़ी बहुत डिटेल लूज कर जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुल हार्श लाइट आ रही थी फ्रंट साइड से, मैंने अल्ट्रा वाइड लेंस से ये वाली पिक्चर क्लिक की, ओवरऑल ठीक डिटेल निकाल के दी है। उसके बाद ये वाली पिक्चर मैंने मेन लेंस से क्लिक किया, तो मेन लेंस और अल्ट्रा वाइड लेंस के दरमियान ना ही तो मुझे कोई कलर शिफ्ट देखने को मिला और ना ही मुझे कोई मेजर डायनेमिक रेंज में डिफरेंस देखने को मिला। उसके बाद यहां पे आप देख सकते हैं कि हार्श शेडोज थे थोड़े, तो शेडोज को भी ओवरऑल अच्छा मैनेज किया है। बहुत से फोन ऐसे होते हैं जो शेडो को या तो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं या बहुत ज्यादा डिम कर देते हैं, ये फोन ऐसा नहीं करता, एक बैलेंस्ड पिक्चर क्लिक करता है अपने अल्ट्रा वाइड लेंस से भी और मेन लेंस से भी। और ये पिक्चर 5x की है, 5x पे इसकी डिटेल नाकाबिले यकीन है, मतलब बहुत ही ओवर ना शार्प पिक्चर आपको देखने को मिलती है, डिटेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, खास तौर पे इसके जूम वाली पिक्चर्स में। तो जूम के लिहाज से आप इसको बिल्कुल भी कंसीडर ना करिए। अगर आपका ज्यादा शौक है अल्ट्रा वाइड और मेन लेंस से पिक्चर क्लिक करने का, जूम नहीं करनी होती, तो आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि अच्छी डिटेल्स दे जाता है, जस्ट 5x पे नॉर्मल डिटेल है और 5x आज के लिहाज से जूम बहुत कम भी है। अब क्लोजअप की बात करते हो तो क्लोजअप भी ये वाला फोन काफी तगड़े तगड़े निकालता है, वो इस तरह के इसकी क्लोजअप में डायनेमिक रेंज बहुत
बहुत अच्छी है। आप देख सकते हैं कि फुल हार्स लाइट थी यहाँ पे बैक साइड पे, इसने बहुत अच्छी पिक्चर क्लिक की हैं। जैसे कि ये वाली पिक्चर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लावर की क्लिक की और बैक साइड पे फुल हार्स लाइट थी, लेकिन उसने अच्छा फोकस एंड डिटेल ली है। और फोकस की बात हो ही रही है तो फोकस इस फोन का भी काफ़ी क्विक देखने को मिला है। हालांकि ना तो मुझे इसमें कोई रडार देखने को मिलता है फोकस के लिए, और ना ही कोई लेजर ऑटो फोकस देखने को मिलता है, जस्ट अपने लेंस से ही फोकस करता है, लेकिन काफ़ी फास्ट फोकस करता है, आपको फोकस में कोई भी डिस्ट्रॉशन देखने को नहीं मिलता। तो क्लोजअप के लिहाज से अगर आपने शटर स्टॉक वगैरह पे पिक्चर डालनी है तो आप इसको डेफिनेटली जरूर कंसीडर कर सकते हो। 2024 क्या 2025 में भी अभी भी इसकी पिक्चर्स अल्ट्रा वाइड लेंस और मेन लेंस के साथ काफी ज्यादा तगड़ी निकल के आती हैं। बस ये है कि पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे जाकर, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन वो भी ओवरऑल आज के लिहाज से आपको ठीक ही दे जाता है। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलर्स आपको अच्छे देखने को मिलते हैं पोर्ट्रेट्स के, और एक और डिफरेंस भी आपको देखने को मिलता है इसमें, आप 2.5 मीटर तक पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हैं। डायनेमिक रेंज पोर्ट्रेट्स में आप देख सकते हैं यहाँ फुल हार्स लाइट थी बैक साइड से, फिर भी अच्छी पोर्ट्रेट क्लिक की है इसने। उसके बाद इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि शेडो भी थे फेस के ऊपर और हार्स लाइट भी थी, फिर भी इसने कंप्लीट अच्छी पिक्चर क्लिक किया है। सिर्फ पोर्ट्रेट में एक कमी देखने को मिली है कि आपको जो डिस्ट्रॉशन है ना फेस की वो देखने को मिलती है, क्योंकि 1x देखने को मिलता है। अगर इसी प्राइस में अगर आप किसी और फोन जैसे कि 10s मैक्स वगैरह लेते हैं उसमें 2x देखने को मिलता है, लेकिन उसकी डायनेमिक रेंज इतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इस फोन में मुझे थोड़े से बूस्टेड कलर देखने को मिले हैं और उसके साथ साथ इसकी जो एज डिटेक्शन है वो भी बहुत अच्छी देखने को मिली है। तो ओवरऑल पोर्ट्रेट के लिहाज से भी ये वाला फोन मुझे पसंद आया है। बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बहुत बुरा भी नहीं, आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। फ्रंट कैमरा में भी ये वाला फोन मैक्सिमम 4K 60fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि आफ्टर अपडेट iOS 18 इसके फ्रंट कैमरा की जो डायनेमिक रेंज आप देख सकते हैं बहुत बुरी देखने को मिली है। एक बार मैं बैक साइड पर टैप करता हूँ अब प्रॉब्लम हल होगी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि फेस को बहुत ज़्यादा डल साइड पे ले गया हुआ है, जैसे फील हो रहा है कि कलर ही मदम कर दिए हुए हैं इसने फेस के। लेकिन डायनेमिक रेंज बैकग्राउंड पे टैप करने के बावजूद भी थोड़ी ओवर ब्राइट कर रहा है। फ्रंट कैमरा में डिटेल्स ठीक हैं चेहरे की अगर आप फेस के ऊपर टैप करते हैं तो, लेकिन बैकग्राउंड को आप देख सकते हैं ओवर ब्राइट कर देता है। तो ये एक इशू है कि फ्रंट कैमरा की जो डायनेमिक रेंज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है। हाँ, इनडोर में रिकॉर्डिंग करनी है फिर ठीक है, आउटडोर के लिए फ्रंट कैमरा आप यूज़ नहीं कर सकते इसका। सो डिटेल कैमरा सैंपल देखिए, आपने आईफोन 11 के 2024 के एंड चल रहे हैं, 5 के लिए iOS 18 के अपडेट के बाद इसके जो कैमरा सैंपल है ना वो फ्रंट कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग डाउनग्रेड लगी है मुझे। बैकग्राउंड कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक है, लेकिन जब आप क्लोज जाते हैं तो पहले इसका HDR बहुत अग्रेसिव बहुत अच्छा काम कर रहा था, तब इसका जो HDR है ना डायनेमिक रेंज में वो भी मुझे हल्का सा कम देखने को मिला है पहले के निस्बत। पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो पोर्ट्रेट्स अभी भी वेल एंड गुड निकल के आए हैं, एंड नॉर्मल फोटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, फोटोग्राफी में डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी है, बस वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा डाउनग्रेड जरूर किया है। अल्ट्रा वाइड लेंस बहुत अच्छा निकल के आया है। बस अगर आप फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, जिस प्राइस में अभी ये फोन देखने को मिल रहा है अभी भी ये वाला फोन दी बेस्ट है अपने कैमरास के लिहाज से। इसी प्राइस में 10s मैक्स देखने को मिलता है, उससे तो ये बेहतर ही देखने को मिलता है। 10s मैक्स का भी रिव्यू मैंने रिसेंटली डाला है, आप जाके देख सकते हैं, इसके साथ कंपेरिजन भी मैं डाल चुका हूँ। तो इस तरह की वीडियो चैनल पर मैं डालता रहता हूँ, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आएगा नीचे कमेंट में जरूर पूछिए, अपने भाई को दीजिए इजाजत, मिलते किसी नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।